मैं तो इस बात को लेकर के भी जरूर कहूंगा कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि विशेष सत्र बुला करके भी कर सकते थे, ऐसी त्रासदी में और चीज़ें क्या की जा सकती है। और सभी इस वक्त त्रासदी के दौरान जो है वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं विधायक, उनको बहुत बेहतर ढंग से जानकारी है कि उनके क्षेत्र में नुकसान कितना है हुआ है, इस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इस त्रासदी के दौर से बाहर निकले, उसके बाद बाकी बात। सेशन तो बुलाने की बात जो है वो तो ठीक बात है, लेकिन इस समय क्या विधानसभा में सारी पुलिस को विधानसभा के कॉरिडोर के लिए लगाया जाए? जयराम ठाकुर जी को भी सोचना चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, पूरा पुलिस विभाग यहाँ आपदा से निपटने में लगा है, पुलिस फोर्स सारी आपदा से निपटने में लगी है। स्पेशल सेशन लगाएंगे, 500-700 पुलिस के कर्मचारी वहाँ जाएंगे, सेशन से हम भाग नहीं रहे हैं। इस आपदा की मुसीबत पर हमको लड़ाई मिलकर लड़नी है, राजनीति करनी है, सेशन उसके लिए पूरे 10 दिन का लगाएंगे, उसमें हम पूरे उनको ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कितने पुलिस कर्मचारी सिक्योरिटी में लग जाएंगे विधानसभा के? कम से कम 500 से 1000 लोग लगते हैं, 1000 पुलिस कर्मचारी दिन रात यहाँ मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं। मैं तो सुरक्षा कवच को भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों के। मैं तो खुद आज कोई पुलिस कर्मियों को लेकर ना नहीं जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप सब लोग सुरक्षा में लगिए। तो राजनीति करने के लिए बहुत समय है, और इस प्रकार की बयानबाजी लेकर अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, यहाँ सिर पर आपदा पड़ी है, लोग मर रहे हैं। ना देखिए, केंद्र मदद कर ही रहा है, और मदद मिले अच्छा है, और हम सब लोग बात कर रहे हैं। मैंने गृहमंत्री जी से बात की है, मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की है, मेरी और भी केंद्र के नेताओं से बातचीत हुई है, और उस बातचीत के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल को इस त्रासदी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। मैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी जवान हमारे लगे हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो NDRF के हैं, तो SDRF के हैं, जो भी हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ। लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया है, वो कर रहे हैं, और उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की त्रासदी में मुझे लगता है कि अभी उचित नहीं है। जहाँ हम सुझाव देने की बात आती है, वहाँ सुझाव देंगे, हमारे सुझाव को भी वो अन्यथा ले रहे हैं, इसलिए हमारा उनसे यही कहना है कि आप काम करिए फिलहाल, और लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और लोगों को राहत मिल सके, इस बात के लिए काम करने की ज़रूरत है।